आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से एक और खबर मिल रही है जहां ग्वालियर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले बदमाशों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच सूचना मिली कि ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के लाल टिपारा में दो बदमाश अवैध हथियार सप्लाई करने आने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करते हुए मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की। बता दें कि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा है और पकड़े गए दोनों आरोपियों को कब्जे से पुलिस ने 11 देसी कट्टे और 8 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। पूछताछ में पता लगा है कि पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश से ग्वालियर में अवैध हथियार तस्करी करने आए हुए थे। वहीं क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें लाल टिपारा इलाके से गिरफ्तार किया है दोनों आरोपियों को। ग्वालियर एसएससी ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। बता दें मध्य प्रदेश के ग्वालियर का यह मामला जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो तस्करों को पकड़ा है। बता दें कि ये जो तस्कर है उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ग्वालियर में ये अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। अवैध हथियारों सप्लायर के साथ दो तस्करों को पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। बता दें कि क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस दोनों ने ही संयुक्त रूप से कार्रवाई करती हुई है, कार्रवाई में लाल टिपारा इलाके से गिरफ्तार किया है दोनों आरोपियों को। ये ग्वालियर में अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसी तारतम्य में आज क्राइम ब्रांच और थाना मुरार पुलिस को ये सूचना मिली कि लाल टिपारा के पास एक व्यक्ति कुछ अवैध हथियार लेके खड़ा हुआ है। और वहां जाके जब क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी मुरार ने रेड की तो उसके पास से 6 कट्टे और कुछ 315 के राउंड मिले। और जब उससे प्रारंभिक पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैनपुरी से एक व्यक्ति ने उसे कट्टे की सप्लाई की है और उसके बताए अनुसार बड़ा गांव के पास से एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ा गया जो कि मैनपुरी का रहने वाला है और 5 कट्टे उसके पास से बरामद हुए। इस प्रकार आज की कार्रवाई में कुल ये 11 कट्टे और 315 बोर के राउंड्स मिले हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मैनपुरी का जो ये आरोपी मिला है, बैदेही गाँव है मैनपुरी का, ये खुद हथियार बनाता है, सप्लाई भी करता है। और आज जो ये खेप पकड़ी गई है ये मूलतः देहात इलाकों में खपाने के लिए लाया था। जैसा कि भिंड का एक आरोपी पकड़ा है, वो ऑलरेडी 6 कट्टे इससे ले चुका था और कहीं ना कहीं देहात में भिंड मुरैना या ग्वालियर के देहात में बाकी कट्टे खपाता। और कई गंभीर वारदातें इन अवैध हथियारों से हो सकती थी यदि अपराधियों के हाथ में पड़ जाते, परंतु उसके पहले ही क्राइम ब्रांच और थाना मुरार ने कार्रवाई करते हुए ये अच्छी सफलता हासिल की है। इसमें एडिशनल एसपी क्राइम, डीएसपी क्राइम, टीआई दोनों हमारे क्राइम और मुरार के और उनकी पूरी टीम ने काम किया है। जो टीम नीचे लगी हुई थी उनको 10,000 रुपीज का कैश अवार्ड भी मैं इसमें दे रहा हूँ। और जो मैनपुरी का आरोपी पकड़ा गया है उसके लिए हम मैनपुरी संपर्क कर रहे हैं कि इसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसके आधार पर हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही एक टीम भी हम मैनपुरी भेजेंगे क्योंकि इसने बताया है कि ये खुद इसका अपने साथियों के साथ निर्माण करता था, तो वहां भी हम एक टीम जल्दी भेज रहे हैं। सर कहीं ना कहीं और भी बड़ी जो चुनाव के दृष्टिगत भी सर एक बड़ी कार्रवाई है कि तो चुनाव आएंगे तो हथियारों की निश्चित तौर पे जब कोई भी इलेक्शन होता है उसके पहले 2-3 महीने पहले से पुलिस काफी अलर्ट होती है और इस तरह की कार्रवाइयां चलती हैं। अभी इलेक्शंस में काफी टाइम है परंतु ये चूंकि हमारा लगातार अभियान चल रहा है और इसी सिलसिले में मैं ये भी बताना चाहूंगा, आज थाना सिरोल में भी एक कार्रवाई हुई है। जो एक डबरा का आरोपी था उसके पास से एक पिस्टल और एक कट्टा मिला है। तो यदि हम सिर्फ आज ही की बात करें तो इस प्रकार से ये 13 अवैध हथियार जो है आज की ही डेट में जब्त है। हमारा उद्देश्य यह है कि लगातार इन पे कार्रवाई हो जिससे हत्या के प्रयास, हत्या और लूट जैसे जो अपराध होते हैं और कई बार हर्ष फायर होते हैं जिससे लोगों को नुकसान भी पहुंचता, तो इन घटनाओं में कमी आए। और आपका जो कहना है मैं ये कह सकता हूँ कि
गंभीर वारदात कोई ना कोई इससे होने से टल गई। सर कहीं ना कहीं और भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स जो हैं उनके बारे में पता लग सकता है इसके बाद? नॉर्मली ग्वालियर में अभी तक जो हथियार अवैध हथियार पकड़े गए हैं वो खरगोन से जो सिकलीकर बनाते हैं, वो पिस्टल्स हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पकड़ी हैं। कई बार हमने 25-25 की खेप भी पकड़ी है। कट्टे भी मिलते रहे परंतु कट्टे ये बिल्कुल नए बने हुए इस तरह से ये बड़ी मात्रा में बहुत दिनों बाद पकड़े गए हैं। मोस्टली यहाँ पिस्टल्स ज्यादा पकड़ी गई हैं। तो इस प्रकार अब ये हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है, अभी तक हम यहाँ ध्यान लगाते थे कि खरगोन और इधर से कितने अवैध हथियार आ रहे हैं, अब हम थोड़ा सा इस बेल्ट पे भी ध्यान रखेंगे जिससे कि यहाँ पे इस अंचल में अवैध हथियार ना आए। बता दें मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ये पूरा मामला है जहाँ क्राइम ब्रांच और लाला टिपारा पुलिस ने दोनों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और दो बदमाशों को पकड़ा है। और बताया जा रहा है कि जो दो बदमाश उत्तर प्रदेश से आए हैं इनके तार कई बड़े नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सुकांत सोनी जुड़ गए हैं, ग्वालियर संवाददाता। और सुकांत, पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है जिसके तहत बड़ी सफलता हासिल हुई है, कैसे मिली सूचना पुलिस को? मैडम पूरा मामला इस तरह का है कि पुलिस लंबे समय से अभियान संयुक्त रूप से क्राइम ब्रांच के साथ में अभियान चला के कार्रवाई कर रही है। कई जगह हथियार की सूचना मिल रही है पुलिस को कि हथियार ग्वालियर में बड़ी खेप आने वाली है। उसी के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को देखते हुए सूत्रों से हवाले से जानकारी मिली कि लालटेपारा के पास में कुछ लोग हथियार लेके आने वाले हैं और जो बड़े यूपी के लोग हैं और हथियार सप्लायर हैं। तो जब पुलिस की जानकारी मिली लालटेपारा के पास कुछ लोग तीन लोग बदमाश अवैध हथियारों के साथ वहां पहुंचने वाले हैं, उसके पहले पुलिस ने घेराबंदी कर उनकी मुखबरी सूचना पर उन पर दबोच लिया। मौके से दो आरोपी पकड़े गए हैं जिनके पास से तीन देसी कट्टे हैं और 8 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। पता लगा है कि उसमें एक आरोपी है जो वहां से भागने में सफल हुआ, लेकिन अभी पुलिस की तलाश जारी है और सर्चिंग अभियान चला के कभी पुलिस उसको पकड़ सकती है। सुकांत, ऐसा भी बताया जा रहा है ये जो बदमाश है इनके तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, तो अभी तक क्या पूछताछ में पता चला है पुलिस को? पुलिस की जानकारी मिल रही है कि चुनाव के पहले ये लोग बड़े हथियार की खेप ग्वालियर में खपाने की तैयारी में थे और इनके बड़े नेटवर्क भी हैं, उत्तर प्रदेश मैनपुरी के रहने वाले लोग हैं ये, और कहीं ना कहीं और ये फल कारोबारी बताए जाते हैं और थोड़े से लालच के लिए इनने यहाँ के कई लोगों को अपने साथ ग्रुप में शामिल कर रखा है जिससे बड़े लोगों के साथ मिलकर ये कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में हथियार खपाने की तैयारी में थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ये मामला है जहां पर ग्वालियर पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और तुरंत ही घेराबंदी करते हुए दोनों बदमाशों को पुलिस ने घटनास्थल से दबोच लिया। बता दें कि दोनों आरोपी बताया जा रहे उत्तर प्रदेश से आए थे और अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले थे, लेकिन तुरंत सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई। बता दें क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस दोनों ने ही संयुक्त रूप से कार्रवाई की और लाल टिपारा इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी पास से 11 देसी कट्टे और 8 जिंदा राउंड के साथ तमाम हथियार बरामद किए गए हैं और लगातार पूछताछ जारी है। बता दें कि दोनों बदमाशों में से एक ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि ये दोनों बदमाशों के तार एक बड़े नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिसे लेकर लगातार पुलिस खोजबीन कर रही है। बता दें ग्वालियर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली कि ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के लाल टिपारा में दो बदमाश अवैध हथियार सप्लाई करने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंद कर दिया, घेराबंदी की और मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को दबोचा। पकड़े हुए दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 11 देसी कट्टे और 8 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैं
उत्तर प्रदेश से ग्वालियर में अवैध हथियार तस्करी करने आए हुए थे और एक बड़ी खेप वे सप्लाई करने वाले थे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि तुरंत मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया।